नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। बिहार में गोंडवाना शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जिले के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही है सूरज ब्रह्मे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सेक्टर अध्यक्षों एवं बूथ प्रभारियों की बैठक बिहार विधानसभा के उम्मीदवार FS कमलेश कंगाली के निवास स्थान पर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष दयाराम पटले के मुख्य आतिथ्य में और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बिहार क्षेत्र के उम्मीदवार FS कमलेश की अध्यक्षता में और बिहार जिला बनाव संघर्ष समिति के संयोजक सूरज ब्रह्मे के मुख्य उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए BSP के अध्यक्ष दयाराम पटले ने कहा कि हमारा एक एक कार्यकर्ता गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए बिहार विधानसभा क्षेत्र में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को भारी मतों से विजय दिलाएगा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बिहार के उम्मीदवार FS कमलेश ने कहा कि इस बार चुनाव में किसी भी संसाधन की कमी नहीं होने देंगे। हम पूरी ताकत और दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे क्योंकि इस बार क्षेत्र की जनता परिवर्तन चाह रही है और जनता ने परिवर्तन करने का मन बना लिया है। बिहार जिला बनाव संघर्ष समिति के संयोजक सूरज ब्रह्मे ने कहा कि बिहार जिला बनाव संघर्ष समिति का ये नारा था कि जो बिहार की बात करेगा वो बिहार में राज करेगा। इसी नारे को सार्थक करने के लिए मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार FS कमलेश जी के साथ खड़ा हूँ क्योंकि कमलेश जी बिहार को जिला बनाने के लिए विगत कई वर्षों से बिहार जिला बनाव संघर्ष समिति के अध्यक्ष के रूप में बिहार को जिला बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। श्री ब्रह्मे ने कहा कि इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बिहार को जिला बनाने के मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में उतरी है, इसीलिए मैं इनके साथ खड़ा हूँ और जो बिहार को जिला बनाने की बात करेगा मैं उनके साथ अंतिम सांस तक खड़ा रहूंगा। किस प्रकार से आपके रणनीति रहेगी, क्या मुद्दे रहेंगे? हमारी रणनीति होगी बिहार में जो काम आज तक नहीं हुआ वो हम कराएंगे। उदाहरण के लिए बिहार विधानसभा क्षेत्र रिजर्व होने के कारण यहाँ सरपंच से लेकर पंच से लेकर जिला सदस्य तक, जिला पंचायत के सदस्य तक सब रिजर्व है। यहाँ के जनपद पंचायत के अध्यक्ष रिजर्व और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष भी रिजर्व हैं। और रिजर्व करने का आशय ये है कि सरकार की जितने प्लानिंग और योजनाएं आती हैं ये उसको स्वयं करें, उन योजनाओं को स्वयं संपन्न करें। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ की चुना हुआ सरपंच जो होता है वो शासन का सबसे पहला अंग और महत्वपूर्ण ताकतवर अंग होता है, इलेक्टेड पर्सन। लेकिन यहाँ देखा जाता है कि एक छोटा छोटा एक पुलिया बनाना है, सीसी रोड बनाना है, बाउंड्री वॉल बनाना है, स्कूल बिल्डिंग बनाना है, तो सारे ठेकेदार बालाघाट से आ जाते हैं और यहाँ के सरपंच लोग बेचारे देखते रहते हैं, ये केवल प्रस्ताव पास और एस्टिमेट लगाते हैं और उनको पेमेंट करने का काम, बाकी कोई अधिकार नहीं होता है काम करने का। हम जब विधायक बनेंगे तो जो अधिकार जिसका है उसको वो अधिकार मिले और वो अपने काम को करके इतना गुणवान और अच्छा बन जाए और संपन्न हो जाए, जो स्किल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने चलाई है उसको सफल बना सके, वो काम करेंगे। आपने देखा है कि अभी जिस तरीके से अभी जो वर्तमान विधायक है किस तरीके से काम नहीं कर पाए हैं और कहां तक खरा उतर पाए हैं? ये खरा तो बिल्कुल नाम मात्र का नहीं उतर पाए हैं, इनका एक ही धंधा रहा है। हम बोलते हैं इनने छोटे छोटे काम को भी बनाने के लिए ठेकेदार बना दिए। एक ठेकेदार उत्तर में बना दिया, एक दक्षिण में बना दिया, एक पूर्व में बना दिया, एक पश्चिम में बना दिया, और वो ठेकेदारों से रिश्ता बनाकर कौन सा आर्थिक लाभ लेना चाहते हैं हम ये नहीं ले सकते, लेकिन इस काम को किया है तो वो हम नहीं करेंगे। आपके क्षेत्र में देखा गया है कि जो रोड की बात करें हम, हाँ, रोड पे देखा गया है कि अभी कुछ महीने पहले ही वहाँ पे परत बिछा दी गई है और आपकी विधानसभा की बात कर रहे हैं कि परत बिछा दी गई है और एक बारिश के बाद पूरी उखड़ चुकी है, वो उसका नतीजा ये है। विधायक की ड्यूटी होती है, उसके प्रमुख कार्यकर्ताओं की और जनता की ड्यूटी होती है कि रोड बनाने के लिए जितने सामग्री की जरूरत है और सामग्री की गुणवत्ता की जरूरत है, लगने वाले सामग्री की गुणवत्ता की जरूरत है, वो होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। उसका कारण क्या है?
क्षेत्रीय प्रतिनिधि जब वहां से गुजरता है तो उसको ये दिखाई नहीं देता कि ये रोड बन रहा है, उसकी उसका जो लेयर कितना होना चाहिए, सामग्री का गुणवत्ता क्या होना चाहिए, वो किसी भी ठेकेदारी और एजेंसी को नहीं बोल पाते। अब उसका कारण तो वो ही जाने, और मैं तो समझता हूँ कि आप पत्रकार होने के नाते क्यों नहीं कहते, क्यों नहीं बोलते, क्या कारण है आप समझते हैं? इसको नोट करें, शासन को इसकी आवाज जानी चाहिए कि रोड एक साल तक नहीं चलता, ऐसा क्यों? अंग्रेजों के जमाने में आप देखते हैं हम गाली देते हैं उनको, देश गुलाम था, हम लोग तकलीफ में थे, लेकिन उनके बनाए हुए रोड भी आज 75 साल तक वैसे चल रहे हैं और इनका बनाया हुआ साल भर नहीं चलता, तो उसको सुधारने का भी प्रयास। देखिए पत्रकार अपना काम करते हैं, लोगों को जागरूकता की बात करते हैं, सरकार तक पहुंचाने की बात करते हैं, लेकिन आप जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका भी उत्तरदायित्व होता है कि आप उन चीज़ों पर ध्यान दें। हम मुद्दे की बात करें, मुद्दे की बात ये करें कि जैसे मलाजखंड के एरिया में हो गया, क्योंकि जो चक्रवाई वाला एरिया है वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा नल जल योजना की योजनाएं निकाली उन्होंने, मुख्यमंत्री के द्वारा निकाली गई, लेकिन उस एरिया में देखा गया है कि टंकी तो लगे हैं, नल पाइप भी लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे पानी का स्रोत नहीं। इसलिए तो मैं कहता हूँ लंबे अरसे तक प्रजातंत्र का मतलब ये है कि 5 साल का टाइम इसलिए दिया है कि 5 साल में प्रजातंत्र जो है चेंजेस होना चाहिए, उसके चुने हुए प्रतिनिधि चेंजेस होना चाहिए। हमारे देश में ये प्रजातंत्र की खराबी होने का मूल कारण है, एक आदमी को हम बार बार चुनते चुनते उसको शुरू से लेके बूढ़ा हो जाता है, उसी का नाम रख लेते हैं। इसलिए हम सामने आए हैं कि ये दोनों आदमी हटना चाहिए। ये हमारे देश में क्या है, एक ही पार्टी का एक ही दल का शासन होने के कारण ये इस तरफ ध्यान देना बंद कर दिया है। नल जल योजना की भी बात वही हुई है, टंकी है तो फूटे भी है। हम यहाँ कटंगी करके गांव है, वो आज ही दरार पड़ गया है उसका, अभी उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। ये इस बात को कौन गौर करेगा? ये जनप्रतिनिधि का ड्यूटी है, जो नहीं किया है इसमें भी हमारा ध्यान जाएगा, और इन्हीं कामों को जो टूटे फूटे काम है उसको हम ग्रस्त करेंगे। ये लोग अब किसी काम के ही नहीं रह गए हैं, ये हमारी मैं कहता हूँ प्रत्याशी होने के नाते, और मेरी जनता भी इस बात को आभास करती है और आवाज लगाना शुरू कर दी। अभी चुनाव आप प्रत्याशी के रूप में रह गए हैं, तो आप किन चीजों को चुनौतियां मानते हैं कि एक तरफ कांग्रेस भी है एक तरफ भाजपा भी है और आप गंडवाना पार्टी से लड़े प्रत्याशी के रूप में है, तो किन चीजों को चुनौती मानते हैं? कांग्रेस है एक तरफ भाजपा भी है, किनको वो चुनौती मानते हैं? पहले चुनौती तो ये है, पार्टियां अपने जगह है, लेकिन ये व्यक्तियों को हटाना पहली चुनौती है, ये विधायक के लायक है ही नहीं, ये पहला चुनौती है कि जो कांग्रेस और भाजपा देश को चलाते आ रहे, लेकिन हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधि जो है इनको बदलना बहुत आवश्यक है। ये बिल्कुल भी मूक दर्शन राइट टू इक्वलिटी है, जिसके तहत जो है सबको समान अधिकार मिलता है, लेकिन मैं बीजेपी सरकार में चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे ये मामा शिवराज सिंह की सरकार हो, इसमें मैंने समानता का अधिकार कभी नहीं देखा, मैं देखा ही नहीं। इनका जो है इनकी तूती मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, और इस तरह का जो है अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। आज के समय में जो अराजकता है पूरे देश के अंदर में, इतना अराजकता फैला हुआ है प्रदेश के अंदर में, इतने अराजकता फैला हुआ है, इनके द्वारा जो गुंडा राज चल रहा है पूरे देश और प्रदेश में, आरएसएस का गुंडा राज चल रहा है, उसके बाद भी हमारे जो लोग हैं दबे कुचले रहने का कारण यह है कि वो हमारे लोगों को दबा के रखना ही चाहते हैं, वो कभी अपने बराबर रखना नहीं चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि अभी उन्होंने 24 दिसंबर 1996 को पेशा कानून बनकर तैयार हुआ, उस पेशा कानून को 26 सालों में अभी नियम बनाने की बात कर रहे हैं। इतने सालों से ये पार्टी, दोनों पार्टी, चाहे ये है कि हमारी जो जनता है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल इस बार एक हो चुके हैं, और हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्लस बहुजन समाज पार्टी जो अलायंस हो चुका है, उस अलायंस के साथ सब जो है दमखम के साथ जो है हमने जो सेक्टर बनाए हैं और वो एक हो गए हैं, उनको जो है कैडर देंगे, इसके माध्यम से सब एक होंगे, और हमारे 15,000 कार्यकर्ता हैं, उसके माध्यम से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बीएसपी से अलायंस हुआ है, और विजयश्री हम दिलाएंगे और सम्माननीय कमलेश सर को जो है विधानसभा भेजेंगे, यही हमारा नारा है। इंदिरा मेरावी, पूर्व जनपद अध्यक्ष बिरसा, ग्राम बाकीगुड़ा, तहसील बिरसा, जिला बालाघाट के रहने वाले, गोंडवाना भूभाग में जन्म ली हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को साथ दूँ। मैं जन्म ली हूँ तो अपने समाज के लिए जीने और मरने के लिए जन्म ली हूँ। हम तो कसम नहीं खाते
क्योंकि आदिवासी कभी झूठ नहीं बोलता और जमीन से जुड़ करके काम करने वाले आदिवासी होते हैं, चाहे आदिवासी में जितने भी कौम के हो, लेकिन आदिवासी जमीन से जुड़कर काम करते हैं और ऐसा नहीं समझते कि हम दूसरे समाज हमारा समाज ना हो। इस आदिवासी जैसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को लोगों ने कहा है, नेताओं ने कहा है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक गोंडों का है, लेकिन मैं कहना चाह रही हूँ इस मीडिया के माध्यम से, गोंडवाना लैंड में हम रहने वाले सभी समाज और कौम के गोंडवाना लैंड के हैं, इसलिए मैं अपने भाई और बहन और माता पिता मानती हूँ। इसलिए हम लोग आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बीएसपी से मिलकर गठबंधन करके हम लोग ये चुनाव को अंजाम देने के लिए खड़े हुए हैं। इसमें हम खड़े उतरेंगे और अपना विधायक बनाएंगे और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बीएसपी मिलकर के हम सरकार भी बनाएंगे। इसलिए हम लोग महिलाओं और भाइयों से हम लोग कंधा से कंधा मिला करके रात और दिन एक कर रहे हैं, क्योंकि प्रतिनिधियों ने हमारा आज तक कोई नहीं ऐसा नहीं सुना कि हमारे बारे में नहीं सोचा। हमारे बच्चे आज पढ़े लिखे बच्चे एमबीए बीए किए हुए बच्चे हमारे प्लान कर चुके हैं और हैदराबाद सूरत जाके काम कर रहे हैं। तो जिला बनाओ संघर्ष में हमारे सूरज भैया ने जो बोला है सत्य बोला है और हम उनके साथ हैं, क्योंकि जिला बनेगा तो हमारे जो आने वाले पीढ़ी है उनको काम मिलेगा और यही प्लान के बदले यही काम करेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ कि हमारा एक नेता बने और एक विधायक बने, हमारे दोनों पार्टी के मिलकर के हम नेता बनाएं। ये पार्टी नहीं, ओबीसी समाज भी हमारा है, हम नहीं कहते कि कोई नहीं है। हमारा बैयर विधानसभा क्षेत्र में जितना हमारे कौम के समाज है वो अपने समझते हैं हम लोग। इसीलिए मैं कहना चाह रही हूँ मीडिया के माध्यम से कि हमको साथ दे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बीएसपी गठबंधन को, ताकि हम विधायक खड़े करें और अपने सुचारू रूप से अपने ग्राम पंचायतों में और क्षेत्रों में काम कर सके। धन्यवाद। 10 साल भूतपूर्व विधायक को देखा है और हमारे यहाँ विकास के नाम पर सिर्फ विनाशी करते आ रही है दोनों विधायक हैं। जिताना चाहेंगे इस बार हमारे क्षेत्र में कोई तीसरा विकल्प आने वाला है, तीसरा ऑप्शन के रूप में हम चुनने वाले हैं। कौन सा विकल्प है आपके लिए? हमारे पास यहाँ विगत चुनाव में तीसरे नंबर पे था गोंडवाना गणतंत्र। हमारा सारा, हम ट्रैवल्स बेल्ट में आते हैं और सारा ट्रैवल्स गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को सपोर्ट करते हैं। क्या बताएं? मेरा नाम राम सिंह तेकाम है, ग्राम पंचायत मोवाला का रहने वाला हूं। आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल है, क्या मिजाज है? मेरा ग्राम विधानसभा क्षेत्र 108 में आज तक थे। हम अभी तक कांग्रेस बीजेपी को देखते आ रहे हैं, इस बार गोंडवाना का ज़्यादा रुझान आना चाहिए और जितना भी चाहिए। सर विधानसभा खल जी, कांग्रेस बीजेपी को तो बहुत देख लिया हम, लेकिन इस बार तीसरा विकल्प आने वाला है हमारे बैहर तहसील। मायावती और जो गोंडवाना है ना उसके साथ गठबंधन है, तो हम तीसरा विकल्प देख रहे हैं। कौन है तीसरा विकल्प आपका? कमलेश दादा है। कांग्रेस बीजेपी से हट के तीसरे मोर्चे की ओर जा रही, क्योंकि दोनों पार्टियों से जनता उग चुकी है इतने सालों से राज के, लेकिन कोई नया परिवर्तन देखने को नहीं मिला, इसलिए इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ ज़्यादा रुझान लग रहा है। जहां भी चौक चौराहा में बैठ रहे हैं ज़्यादातर चर्चा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी कमलेश दादा का ज़्यादा चर्चा हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर कांग्रेस और बीजेपी को देखे हैं तो एक नया आजमाना चाहते हैं, परिवर्तन की लहर है और होना भी। पंचायत पर समूह से हूँ। इस बार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का लहर को देखकर कांग्रेस बीजेपी घबरा चुका है और सभी पब्लिकों से राय यही मिल रहा है कि इस बार तीसरी शक्ति गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को बहुमत से जिताना है। ऐसे सभी ST SC OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक सभी समुदाय का विचार देखने को सुनने को मिल रहा है, तो इससे भरोसा ये है कि जल्द से जल्द अधिक से अधिक वोटों से कमलेश दादा विजयी होंगे। इस बार विधायक